ऑल राइट लेट्स बिगिन विद द क्लास ऑब्जेक्टिव है कि हम जो है वो इम्पलिसट uh, इक्वेजन्स की डिफ्रेंशिएशन को समझेंगे और इससे जो है वो इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद फिर अगर हो सकेगा तो इसके एक दो सवाल भी हम देखेंगे पास पेपर्स के uh, ताकि आपका जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप पास वेपर्स करने की पोजिशन में आ जाए तो आइए स्टार्ट लेते हैं इम्प्लीसट का कॉन्सेप्ट अब इम्प्लीसिट और एक्सप्लेट ये दो लफ्ज़ आपने अंग्रेजी में बहुत कॉमनली सुने होंगे मुख्तलिफ कॉन्ट्रैक्ट uh, होते हैं तो उसमें कहा जाता है कि कुछ क्लॉज एक्सप्लिसिट हैं और कुछ हैं इम्प्लिसिट तो क्या फर्क है अंग्रेजी में हम इम्प्लिसिट किसे किसे कहते हैं एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट जो वाजे तौर पे लिखी हुई हो जो प्रॉपर एक्सप्रेस की जाए और एक चीज होती है एम्पलेसिड जो लिखी हुई तो नहीं है जो वाजे तो नहीं है जो बयान तो नहीं की गई लेकिन अंडरस्टुड सी बात है कि भाई ऐसा तो होगा अब लेट सपोज अगर आप कॉलेज का पार्ट बनने जा रहे हैं एक कॉलेज का पार्ट बने उसमें लिखा हुआ है कि भाई जब आप आएंगे तो आप स्कूल यूनिफॉर्म में आएंगे आप ये होंगे आप जो है अच्छी तरह टाइम पे आएंगे दिस एंड दैट उसमें ये नहीं लिखा हुआ कि पेपर लिए जाएंगे मिड टर्म होगा मॉक होगा लेकिन एक अंडरस्टूड सी बात है यार रिप्लेसिड बात है कि आप स्कूल का पार्ट बनेंगे तो आपको टेस्ट भी देने हैं आपको असेसमेंट्स देने हैं आपको मिड टर्म देना है आपको मॉक देना है ये वो बातें हैं जो हर बच्चा जानता है जो हर बंदा जानता है तो इसे लिखने की या बच्चे से साइन लेने की जरूरत नहीं है ये बात हो गई तो कुछ क्लॉजेस एक्सप्लिसिट होते हैं कुछ इम्प्लेट होते हैं इम्प्लेसिड का मतलब यह हुआ कि कोई बात जो लफ्जों में बयान तो नहीं हुई लेकिन अंडरस्टूड है कि ऐसा होगा चले ये तो एक अंग्रेजी के कॉन्टेक्ट में मैंने आपको इम्प्लेट का मतलब समझाया अगर मैं आपको मैथमेटिकली इम्प्लेट की बात बताऊं तो इम्प्लेसिड इक्वेशंस क्या होते हैं तो अब तक जो हम इक्वेशंस देखते आए थे पैरामीट्रिक को हटाकर जिसमें y इन टर्म्स ऑफ x एक्सप्रेस होता था y वाज द सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन उसे हम कहते थे एक्सप्लिसिट इक्वेशंस क्योंकि उसमें वाजे तौर पे y सब्जेक्ट बना हुआ होता था और हम उसे डिफरेंशिएट कर लेते थे इंप्लिसिट इक्वेशंस वो हैं जिसमें y ना तो सब्जेक्ट है और ना बन सकता है

तो ये जो इक्वेजन है दिस गिव्स अ रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई इवन दो इट डज नॉट स्पेसिफाई वाई एक्सप्लिसिटली इन द फॉर्म वाई इक्वल्स टू एफ एक्स तो यहां से स्टोरी ये हासिल हुई कि भाई अगर तो वाई सब्जेक्ट है इसका मतलब ये एक एक्सप्लेसिड इक्वेजन है जिसे हम बासानी डिफ्रेंशिएट कर लेंगे लेकिन अगर y सब्जेक्ट नहीं है y बीच में दबाव है एक ऐसा इक्वेजन है जिसमें x और y आपस में रिलेटेड हैं दो वेरिएबल्स का आपस में रिलेशनशिप है लेकिन वाजे तौर पे y इज नॉट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x यानी कि एक एक y जो है वो सब्जेक्ट नहीं है

डिफरेंशिएट करते हैं तो यही नोट लिखा हुआ है टू डिफरेंशिएट इम्प्लिसिट इक्वेशंस वी डिफरेंशिएट ईच टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये थोड़ी सी बात हो गई इम्प्लिसिट का इंट्रोडक्शन हो गया आपको अंदाजा हो गया कि इम्प्लिसिट में होता क्या है और ऐसे इक्वेशंस को इम्प्लिसिट इक्वेशंस कहते क्यों हैं यहां तक बात क्लियर हो गई अच्छा अब हम आते हैं एग्जांपल्स की जानिब पहला एग्जांपल देखें तो बिल्कुल बच्चों वाला एग्जाम्पल जो हम हजारों दफा कर चुके हैं जो ए में भी देखा ए में भी देखा लेकिन यहाँ उसका खास मकसद है इसको बयान करने का खास मकसद है आइए उस मकसद को पूरा करते हैं और फिर इनशाला की बुनियादें खड़ी करते हैं ताकि फिर आप पास वर्बस करने की पोजिशन में आ जाए तो स्टार्ट लेते हैं एग्जाम्पल नंबर वन से वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क् ये y सब्जेक्ट बना हुआ है इसका मतलब ये एक एक्सप्लेसिड इक्वेजन है ये इक्वेजन जो एग्जाम्पल नंबर वन है ये येजन की नहीं है ये जो एग्जाम्पल है ये एक्सप्लेसिड इक्वेजन की है ये जो इक्वेजन आपको नजर आ रहा है दिस इज एक्सप्लेसिड इक्वेजन अच्छा अब जब y इन टर्म्स ऑफ x होता है तो आप डी वाई हासिल कर लेते हैं

कंफ्यूजन अगर हो भी रही हो अपनी अटेंशन को मत हटाइएगा गौर से बस सुने बिल्कुल अटेंशन से फोकस करें फोकस करते रहें अटेंशन देते रहें मैं पूरी कोशिश करके इंशाला उस पॉइंट को क्लियर कर दूंगा जो मैं कम्युनिकेट कम्युनिके करना चाहता हूं फिर अगर कोई सवाल आए तो बताइएगा वक्त से पहले सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं सिर्फ खामोशी से सुनना है और कॉन्सेंट्रेट करना है राइट तो डी बाय डी एक्स का मतलब होता है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड को भी और डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स राइट हैंड साइड को भी अच्छा अब अगर मैं देखूं लेफ्ट हैंड साइड को जब मैं डिफरेंशियट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहा हूं तो ये हो गया डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई को जब वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट नहीं हो सकता क्योंकि वेरिएबल वाई जो है वो इन टर्म्स ऑफ एक्स तो नहीं है ना

क्योंकि हम पूरे इक्वेजन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहे होते थे और जब हम डिफरेंशियट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते थे वाई कोई डिफरेंशिएट तो नहीं हो सकता क्योंकि अगर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू ना ऑफ करते हैं तो क्या आंसर आता है वन आता है ना तो ये डी बाई डीएक्स ऑफ वाई करेंगे तो कुछ डिफरेंशिएट थोड़ी होगा वाई टाइस हो जाएगा डी बाई बाई डी एक्स आसिल हो जाएगा और दूसरी तरफ जब हम डी बाई डी एक्स

और अभी भी करने की जरूरत नहीं है उसे यहां लिखने का मकसद यह है आपको ये बताना कि ये काम हम पहले भी, भी वही करते थे जो अब कर रहे हैं अब अब भी हम डिफरेंशियट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहे हैं करेंगे इक्वेशंस में भी हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करेंगे और पहले भी हम डिफरेंशियट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही क्या करते थे लेकिन पहले हम इस स्टेप को लिखते इसलिए नहीं थे क्योंकि हमें पता है कि वाई की डिफरेंशिएशन डी वाई बाय डी एक्स होती है लेकिन अब जब इक्वेशन होगा तो हम लिखेंगे कि और फिर हम हर को करेंगे। तो यहां से point, one, थोड़ा सा आपको क्लियर हुआ होगा कि ये एडिशनल स्टेप जो है वो जो पहले नहीं करते थे वो, उस, वो क्यों नहीं करते थे क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी उसके बगैर काम चल सकता था लेकिन अगर हम ये वाला स्टेप भी करते तो अल्टीमेटली हम उसी जगह पहुंचते जहां हम पहले डायरेक्टली पहुंच जाया करते थे अगर हम इसका सेकंड वाला एग्जांपल देखें तो मैंने सिर्फ इतना लिखा है कि डी तो है, है।, है, है लेकिन डी बाई डीएक्स यानी कि डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वाई डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट तो तो टू एक्स तो जब हम वाई को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो वाई कैसे डिफरेंशिएट होगा नहीं होगा

तो so, फंक्शन को कैसे डील करते फर्स्ट फर्स्ट डील विद द पावर फर्स्ट डील विद द पावर, डीलिंग विद द पावर मींस मल्टीप्लाई द पावर एंड द पावर बाय वन पावर यानी कि थ्री मल्टीप्लाई होगी और फिर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और फिर जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है वो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट होगा एफ एक्स होल पावर एन था तो एन एफ एक्स पावर एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय एफ प्राइम एक्स मतलब जो फंक्शन होता था वो डिफरेंशिएट होता था लेकिन यहां भी जो फंक्शन वाई है वो डिफरेंशिएट होगा लेकिन डिफरेंशिएट डिफरेंशियट विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा तो देखें क्या होता है मैंने कहा सबसे पहले पावर पावर से डील करते हैं व्हेन वी आर डीलिंग विद द पावर वी विल मल्टीप्लाई द पावर एंड देन वी विल सबट्रैक्ट द पावर बाय वन पावर को मल्टीप्लाई किया और पावर को वन से सब कर दिया अब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाता था, और जो X की होती थी, उसे मल्टीप्लाई बाय वन करने की जरूरत नहीं थी फायदा ही नहीं था लेकिन यहां जो ब्रैकेट में फंक्शन है वो एक्स नहीं है कि एक्स क्यूब होता था, आ जाता था याद करें डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब होता था तो आप थ्री एक्स स्क्वायर लिख देते थे अच्छा सर जब हम थ्री थे तो कभी हमने कॉम्पोजिट फंक्शन की लिखा उसे सोचा नहीं इसलिए नहीं सोचा बेटा कि जब X पे होल क्यूब लगेगा तो एक्स क्यूब पावर को डील किया तो थ्री एक्स स्क्वायर हो गया अब जब ब्रैकेट के अंदर फंक्शन एक्स को डील करेंगे और उसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो उसकी डिफरेंशिएशन तो वन ही होगी ना तो उसे लिखने की जरूरत क्या थी इसलिए हमने कभी उस पर्सपेक्टिव से सोचा भी नहीं और हमें कभी फर्क भी महसूस नहीं हुआ और हमारा आंसर थ्री एक्स स्क्वायर आ जाता था लेकिन यहां एक्स क्यूब नहीं है y क्यूब है और हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y नहीं कर रहे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं अच्छा मैं यहाँ एक बात ऐड करता हूँ अगर कोई डिफरेंशियट करता है विद रिस्पेक्ट टू y, y कोई करता है डिफरेंशियट जैसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते थे और x को करते थे तो वन आ जाता था तो जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू y और y को कर रहा हूँ तो आंसर आ जाएगा वन ये देखना है ना कि मैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल कर रहा हूं। टिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई तो फंक्शन होगा, वो अगर, वो अगर होगा तो डिफरेंशियट हो, तो हो जाएगा लेकिन मसला तो तब आता है ना जब डिफरेंशियट विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रहा हो और जो चीज डिफरेंशियट कर रहा हूँ वो एक्स है तो फिर ऐसे कि इसमें डिफरेंशिएशन हो नहीं पाएगी एक्स इससे चिपक जाएगा इससे अटैच हो जाएगा तो ये बन जाएगा डी एक्स बाय यही काम मैं यहां समझाने की कोशिश कर रहा था कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू तो वो डिफरेंशिएट हो जाएगा लेकिन जब मैं डी वाई डी एक्स वाई करूंगा तो वो डिफरेंशिएट नहीं हो पाएगा तो वाई क्या हो जाएगा उसके साथ अटैच हो जाएगा तो डी वाई डी एक्स हासिल हो जाएगा सिमिलरली जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई क्यूब को तो ये सिर्फ वाई नहीं है बल्कि वाई क्यूब है जब एक फंक्शन पे पावर आ गई एक फंक्शन वाई पे, पे पावर आ गई तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन की तरह से सोचें तो फर्स्ट डील विद द पावर जब पावर से डीलिंग की तो पावर को मल्टीप्लाई भी किया और पावर को वन से सब्ट्रैक्ट भी किया पावर को मल्टीप्लाई भी किया वन से सब भी किया लेकिन अब जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है यानी कि वाई जब इसे करूंगा विद इसेट कर नहीं और ये डी वाई बाय डी एक्स बन जाएगा इस इस स्टेप को आप जरा बहुत गौर से देखें हमने पावर को मल्टीप्लाई किया फिर पावर को वन से सब किया अब जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है वो y है और जब वाई होता है तो dy by dx हासिल बाई है जो example number two में हमने वाजे तौर देख लिया कि तो इसीलिए जब वाई क्यूब को डिफरेंशियट किया तो थ्री वाई स्क्वायर हो गया पावर मल्टीप्लाई हुई और फिर पावर वन से सब्ट्रैक्ट हो गई और फिर जब ब्रैकेट के अंदर वाला फंक्शन जो कि y था उसे विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया तो डिफरेंट जब भी हम वाई को विद रिस्पेक्ट टू विध रिस्पेक्टियट करते हैं तो वो डिफ्रेंशियट हो नहीं पाता तो वो अटैच हो जाता है एक्स के साथ लिहाजा वो एक्स बन जाता है लिहाजा की विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो है वो ये होगी थ्री वाई स्क्र इंटू डी बाई डी एक्स इसका एक और एग्जाम्पल देखें एग्जाम्पल नंबर फोर डिफ्रेंशियट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स थ्री वाई पावर फोर तो क्या होगा उसको इसी तरह देखें कि ये जो है y y जो है ये ब्रैकेट के अंदर है कंपोजिट फंक्शन की तरह से आप देखें तो मैं आपको यहाँ अलग से लिख के बता देता हूं dy/dx आपको अगर करना है तो आप बोलेंगे 3 फिर y होल पावर 4 जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो सबसे पहले है पावर 4 3 12 पावर 4 थी पावर हो गई 3 क्यूब हो गया अब जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन था y उसकी डिफरेंशिएशन की बारी है लेकिन उसे डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और वो डिफरेंशिएट हो नहीं पाएगा तो वो उसके साथ अटैच हो जाएगा लिहाजा यहां से हमें मिल जाएगा dy/dx अच्छा अब हम अग, अगर पांचवा एग्जांपल देखें तो डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x एक प्रोडक्ट को वी हैव टू डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x xy2 वी शियेट अ प्रोडक्ट जिसमें एक है एक्स और एक है वाई स्क्वायर जब हमें प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है तो हमें पता है कि एक फंक्शन का नाम होता है यू और एक फंक्शन का नाम होता है वी और फिर हम लगाते हैं प्रोडक्ट रूल सर हमने जब देखा था प्रोडक्ट रूल लगाया था तो उसमें दोनों फंक्शन जो होते थे यू और वी और दोनों ही इन टर्म्स ऑफ एक्स होते थे जी हाँ लेकिन अब क्योंकि हम इम्प्लेट डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं तो जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो उसमें एक फंक्शन जो है यू या वी में से वो एक इन टर्म्स ऑफ एक्स होगा और दूसरा इन टर्म्स ऑफ वाई होगा अच्छा अब जब एक फंक्शन यू है एक v है हमने कहा यार प्रोडक्ट रूल लगाते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाह मालिक देखते हैं क्या होगा जब हमने प्रोडक्ट रूल लगाने की कोशिश की तो हमें नजर आया कि वी यू प्राइम वी क्या है भाई वाई स्क्वायर वी क्या है स्क्वायर क्या है एक्स यू प्राइम क्या होगा यू प्राइम क्या होगा यू प्राइम का मतलब है यू वाले फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हम बोलेंगे वन वी यू प्राइम प्लस यू वी प्राइम यू क्या है एक्स वी प्राइम अच्छा यहां वी प्राइम का मतलब क्या है वी वाई स्क्वायर है वाई स्क्वायर की डिफ्रेंसिएशन करनी है लेकिन विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स करनी है जब वाई स्क्र को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो अभी जो हमने थर्ड एंड फोर्थ एक्जाम्पल में सीखा उसके मुताबिक वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी हाँ बच्चों क्या होगी <coughs>

थोड़ा सा आइडिया ले लिया किस तरह से चीजें करनी है इसके बाद जो सिक्स एग्जाम्पल है ये प्रॉपर एक है है जिस तरह से एग्जामिनेशन में में या में सवाल आता है। तो अभी मैंने सिर्फ टुकड़े टुकड़े में आपको छोटे छोटा छोटा हिस्सा डिफरेंशिएट करके बताया तो मुझे जरा ये बताएं कि आपको ये बात समझ आ गई है कि जब हम वाई को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता और वो अटैच हो जाता है और यहां तक जो है आपको हर बात क्लियर है पहले मुझे एक्नोलिजमेंट दे दें यहाँ तक और किसी का कोई सवाल या कोई कंफ्यूजन हो तो वो इस लेवल पे मुझसे पूछ सकता है मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लू तो एक दफा मुझे एक्नॉलेज कर दें और उसके बाद फिर हम सिक्स एग्जाम्पल अभी सिर्फ एक्नॉलेज कर दें क्लियर का कॉपी नहीं करें कॉपी करने का टाइम देता हूं मैं आपको सिक्स एग्जाम्पल करवाने के बाद एक साथ आपको मैं कॉपी करने का टाइम दूंगा अच्छा देखिए एग्जाम्पल नंबर फाइव में बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ सबसे पहले आपको एग्जाम्पल नंबर थ्री और फोर आपको क्लियर होना चाहिए जब मैं वाई क्यूब को डिफरेंशिएट करता हूँ लेकिन मैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करता हूँ तो पहले पावर मल्टीप्लाई होती है और पावर वन से सप्रैक्ट होती है और फिर जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन है यानी कि वाई इस केस में वो डिफरेंशिएट होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वाई क्यूब हो जाता है थ्री वाई स्क्वायर और जब वाई की डिफरेंशिएशन करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो डी वाई बाई डी एक्स बन जाता है सिमिलरली मैंने फोर्थ एग्जाम्पल में भी यही बात कम्युनिकेट की जब ये बात समझ आ गई है थर्ड एंड फोर्थ वाली तो फिफ्थ में मसला नहीं है फिफ्थ में मसला क्यों नहीं है क्योंकि तो फिफ्थ में जब हम differentiate कर रहे हैं तो ये एक प्रोडक्ट है दिस इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन एंड जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो हम प्रोडक्ट रूल से उसे डिफरेंशिएट करते हैं प्रोडक्ट रूल क्या कहता है प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि एक फंक्शन को आप यू का नाम दे दें और एक फंक्शन को वी का नाम दे दें तो मैंने जो एक्स वाला फंक्शन है उसे यू का नाम दे दिया और जो वाई फंक्शन है उसे वी का नाम दे दिया अब मैं इसको अगर मजीद ब्रेक करके बताऊं कि एक फंक्शन यू है यू प्राइम हासिल करना चाहता हूं तो यू प्राइम का मतलब होगा कि मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स किस को एक्स को तो जब मैं यू प्राइम निकालूंगा तो वो बन आ जाएगा सिमिलरली जब मैं v प्राइम हासिल करूंगा तो v प्राइम का मतलब भी यह है कि मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x किसको y स्क्वायर को जैसे y क्यूब को डिफ्रेंशिएट किया था थ्री वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई बना था वैसे जब मैंने y स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट किया तो ये बन गया पावर पावर डील की तो टू मल्टीप्लाई हुआ y पावर वन हो गई यहां से यहां तक मैंने पावर को डील कर लिया मल्टीप्लाई बाय y डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू व्हिच विल मेक इट dy by dx, तो so v प्राइम बन गया 2y dy by dx, यही चीज मैंने यहां पर डायरेक्ट कर ली थी u x स्क् x था v y स्क्वायर था ये हो गया v u प्राइम प्लस u v प्राइम और ये v प्राइम मैंने आपको डिटेल में यहां पर बता दिया तो पता ये चला कि में हम चलाट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करते हैं लेकिन जहां हो जाता है और उसे हम डिफरेंट करते हैं और हमें -by by हो जाता है लेकिन अगर उस वाई फंक्शन पे कोई पावर है तो हम पहले पावर को मल्टीप्लाई करते हैं पावर को वन से सब्रैक्ट करते हैं और फिर जब वाई को डिफरेंशियट करते हैं तो अल्टीमेटली हमें होता है यहां तक बात क्लियर है सही है नंबर जिस तरह से पांच पेपर आपको नजर आता है, y y ये एक है और एग्जामिनर कह रहा है डीवाई बाई डी एक्स निकालो अब जब वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स होता था वाई सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन होता था और एक्सप्लिसिट इक्वेशन होता था तो हम डायरेक्ट डीवा डायरेक्ट डीवा लेते थे लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट डीवाबीएक्स हासिल नहीं हो सकता तो फिर कैसे हासिल होगा आइए इससे इस इस सवाल को देखते हैं इस एग्जाम्पल को देखने के बाद पास पेपर्स के जितने सवाल हैं उसमें जब इस तरह का इक्वेशन आएगा तो आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना है स्टेप नंबर वन वेन एवर यू सी अच्छा जब हम पैरामीटर हमने देखा तो हमने देखा ग्रेडियंट फंक्शन आता है उससे पहले हमेशा हम ये देखते थे, कि जो है, वो x आता थे। और y की वैल्यू की हमें कोई जरूरत भी नहीं पड़ती थी अगर हमें ग्रेडियंट चाहिए होता था तो हम सिर्फ x की वैल्यू को सब्सिट्यूट करते थे लेकिन अब

क्योंकि जो ग्रेडियंट फंक्शन होगा वो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई बोथ होगा अच्छा अब जब इस तरह का सवाल आए और आपको डिफरेंशिएट करना हो आप क्या पहला स्टेप क्या करते हैं आप बोलेंगे डिफरेंशियट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ये शॉर्टकट है डब्ल्यू आर टी एक्स आई एम डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं विध रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स डिफरेंशियट कर रहे हैं इसका मतलब पता है क्या ये जो एक्स वाई है ये भी डिफरेंशियट होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये जो वाई स्क्वायर है ये भी डिफरेंशिएट होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये जो टू एक्स है ये भी डिफरेंशिएट होगा विध रिस्पेक्ट टू एक्स तो जब हम एक्स वाई को डिफरेंशियट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू तो यहां, क्या लगेगा? यहां, लगेगा यहां जब, X, तो यह तो यह जब हम डिफरेंशियट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू तो ये तो कौन सा मसला है डिफरेंशिएट करेंगे X, टू को, तो टू हासिल हो जाएगा इसका मतलब जब डिफरेंशियट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हर टर्म को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशियट करना पड़ेगा और जो फंक्शन वो है उसी हिसाब से डिफरेंशियन करनी पड़ेगी तो अगर हम यहां पर देखें तो सबसे पहले हम x, को करेंगे विद रिस्पेक्ट टू फिर प्लस के बाद हम वाई स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और इक्वल टू के बाद हम टू एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो टू एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो टू हासिल हो जाएगा टू एक्स को डिफरेंशिएट करके टू हासिल हो जाएगा अच्छा एक्स वाई को डिफरेंशिएट करें तो प्रोडक्ट रूल से इसे डिफरेंशिएट करें आप प्रोडक्ट रूल से आप इसे डिफरेंशिएट करें प्रोडक्ट रूल के मुताबिक एक फंक्शन यू है और एक फंक्शन वी है तो आप बोलेंगे वी यू प्राइम वी जो है वो वाई है और यू प्राइम यानी कि एक्स जो है उसकी डिफरेंशिएट डिफ्रेंशिएशन जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो वन आ जाएगा तो वी यू प्राइम प्लस यू वी प्राइम

सिंपल सिंपल से जो चीजों से मैंने जो वाजे किया उसकी वजह यही थी कि आपको क्लियर हो जाए कि जब y को विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy वाई बाई हासिल हो जाता है अच्छा फिर हमने एक्स वाई को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर लिया तो हमारे पास y प्लस एक्स इंटू डी बाई डी हासिल हो गया प्लस के बाद नाउ वी आर डिफरेंशिएटिंग y स्क्वायर और हमने y स्क्वायर या y क्यूब को डिफरेंशिएट करना भी सीख लिया तो y स्क्वायर क्योंकि कंपोजिट फंक्शन की तरह इसको देखूंगा तो सबसे पहले पावर सीट यूज करूंगा तो ये हो जाएगा 2y पावर 1 पावर मल्टीप्लाई पावर वन सेल्टीप्लाई बाय ऑफ दू एक्स वी विल बी गेटिंग डी वाई बाई डी एक्स तो ये क्या हो गया भाई दिस इज वाय प्लस एक्स टाइम्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस टू वाय बायक्स

इस वाले y को हम वहां शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 y तो मैं यही काम करने जा रहा हूं x और 2y में से dy/dx अगर हमने कॉमन ले लिया यहां बच गया x यहां बच गया 2y x 2y हो गया और y को दूसरी तरफ भेज दिया तो ये हो गया 2 y अब जब मैंने dy/dx को सब्जेक्ट बनाया तो मेरे पास dy/dx जो है दैट वुड बी 2 y x तो so, आ गया दिस बी आंसर और इसी तरह आपको एग्जामिनेशन में पास पेपर्स के काफी सारे सवाल भी मिलेंगे कि आप जो है पूरे इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसमें आप हर हर टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स और अल्टीमेटली फिर डी वाई बाई डी होता वाले उनमें से कॉमन फंक्शन को दूसरी तरफ भेज देते हैं और अल्टीमेटली डी वाई बाई को हम सब्जेक्ट बना लेते हैं ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर सिक्स सही है तो ये वाला एक, एक और एग्जाम्पल भी हमने देख लिया अच्छा अब अगर हम देखें एग्जाम्पल नंबर सेवन तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व हो गया एंड दैट इज कॉस स्क्वायर वाई तो हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर वाई तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो सिखाया है वो क्या सिखाया है हमेशा से एक ही बात सिखाई है पावर फंक्शन एंगल फर्स्ट डील विद द पावर देन डील विद द फंक्शन देन डील विद द एंगल यही स्टेप्स हम फॉलो करते हैं और डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू तो एक्स तो देखते हैं क्या हासिल होता है स्क्वायर पावर क्या है टू मल्टीप्लाई करें आपने कहा क्यों किया पावर टू थी पावर वन हो गई पावर वन लिखने का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता इसलिए मैंने यहाँ पावर वन नहीं लिखा तो टू तो कॉस वाय पावर की बात हो गई नाउ कम्स द टर्न ऑफ फंक्शन अब बारी है कॉस वाई की कॉस वाई की डिफरेंशिएशन क्या होती है आपने कहा नेगेटिव साइन वाई फंक्शन पावर को डील कर लिया फंक्शन को भी डील कर लिया पावर को डील किया पावर मल्टीप्लाई हुई पावर वन से सब्ट्रैक्ट हुई मीन वाइल फंक्शन इंटैक्ट रहा ये हो गया टू कॉस पावर वन वाई पावर वन हम लिखते नहीं है तो टू कॉस वाई कॉस वाई की डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाई हुई यानी कि फंक्शन की डिफ्रेंसिएशन वो हो गई नेगेटिव साइन y अब जब बारी आई y की और y था एंगल और जब एंगल को डिफरेंशियट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो y जो एंगल था जब वो विद रिस्पेक्ट टू x विध हुआ तो वो हो नहीं सका तो वो उसके साथ अटैच हो गया तो यहां हासिल हो गया dy वाई बायस यही सूरत एक्सपोनशियल में या लोगारेमिक फंक्शन में अगर कभी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेकिन जो अल्टीमेट वेरिएबल है वो वाई है तो यही मामला होगा मैं आपको एक दो एग्जाम्पल और देके भी बता देता हूं ये हो जाएगा माइनस टू साइन वाई इन टू डी वाई बाय डी एक्सर में एक और एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर एट यहां बना दू तो मैं कहता हूं डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई पावर माइनस टू वाई को तो क्या होगा तो आपने कहा कोई मसला ही नहीं है e पावर माइनस टू वाई की डिफ्रेंसिएशन होगी e पावर माइनस टू वाय पावर माइनस टू वाई की डिफ्रेंसिएशन e पावर माइनस टू वाय और जब पावर की डिफ्रेंसिएशन की बारी आएगी यानी कि माइनस टू वाई की डिफ्रेंसिएशन की बारी आएगी तो माइनस टू वाई की डिफ्रेंसियन क्या होगी माइनस टू तो अपनी जगह रहेगा माइनस टू अपनी जगह रहेगा लेकिन जो वाई होगा उसकी डिफरेंसिएशन हो जाएगी डी वाई बाय

की डिफरेंशिएशन में डीवाई बाई डी एक्स हासिल होगा क्योंकि तो जब क्यों डिफरेंशिएट करने की बारी आएगी का समझ आ गया है मेरे ख्याल से मैंने बहुत वाजे काफी रिपीटेशंस के साथ बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ इस कॉन्सेप्ट को क्लियर तो कर दिया है आप मुझे जो है कॉपी भी कर लें कॉपी यहां तक कर भी लें और कॉपी करने के बाद एक्नॉलेजमेंट भी दे दें कि क्या यहाँ तक सबको क्रिस्टल क्लियर है क्या हर बात जो मैंने बताई है वो समझ आ गई है या किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन बाकी है कोई कन्फ्यूजन हो चैट पे भी पूछ सकते हैं रेज हैंड करके भी पूछ सकते हैं कन्फ्यूजन नहीं है फटाफट कॉपी कर लें कॉपी करने के बाद एक्नॉलेजमेंट दे दें ताकि हम आगे बढ़ जाएं चलिए अलहमदिल्ला यहाँ तक क्लियर एंड डन है और बच्चों ने समझ भी लिया है और कर भी लिया है एक एग्जांपल लास्ट वाला देखते हैं जिस तो, ये भी एक पासवे का सवाल है जो आपके टॉपिकल्स में तो नहीं है पुराना सवाल है 2002 से 9 के दरमियान वाला कोई पेपर सवाल है पुराने पेपर्स का सवाल है बिल्कुल पासवेपर का एग्जैक्ट सवाल है तकरीबन आई गेस ये नौ नंबर का सवाल है जिसमें एक पार्ट कोई पाँच नंबर का है एक चार नंबर का है तो एक बड़ा सवाल है और किस तरह से हमें डील करना है इसका पार्ट नंबर वन तो हम डील करना समझ गए कि डी वाइ डी किस तरह से निकालते हैं लेकिन जो पार्ट टू है कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट का निकालना वो कैसे निकालते हैं ये बात हमें समझनी है और ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ कि क्योंकि यहाँ ग्रेडियंट फंक्शन इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई आता है लिहाजा अगर कभी हमें इक्वेजन ऑफ टेंजेंट या इक्वेजन ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ जाए तो फिर हमें ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा और ग्रेडियंट निकालने के लिए हमें एक्स और वाई दोनों की वैल्यू डालनी पड़ेगी यूजअली हम सिर्फ एक्स की वैल्यू डाला करते थे लेकिन यहाँ हम एक्स और वाई दोनों की वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे मतलब पूरा पॉइंट हमें चाहिए सही है अच्छा हम शो करते हैं सबसे पहला पार्ट जो है दैट दैट इज इज शो दिस तो आपको मैंने सबसे पहला स्टेप क्या सिखाया आपने करना होता है डिफरेंशियट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो आप करें डिफरेंशियट विद रिस्पेक्ट टू एक्स वेन यू आर डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हर हर टर्म डिफ्रेंशिएट होगा एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये हो जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब क्योंकि फंक्शन ऑफ एक्स है तो वो डिफ्रेंशिएट होकर थ्री एक्स स्क्वायर बन जाएगा प्लस टू वाई क्यूब जब टू वाई क्यूब की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगी सिक्स वाई स्क्वायर इन टू डी वाई बाई पहले हमने पावर से डील किया पावर मल्टीप्लाई की पावर को बन से सब किया फिर जो ब्रैकेट के अंदर फंक्शन वाई था उसकी डिफरेंशियन मल्टीप्लाई होकर डी बाई बन गई तो सिक्स वाई स्क्टू डी बाईक् थ्री एक्स वाई को अगर आप डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं तो या तो आप थ्री एक्स यू को मान लें और वाई को आप वी कह लें तो ये बेहतर रहेगा तो हम यही काम करते हैं हमने जो है पूरे जो थ्री एक्स है

तो वो हो जाएगा dy/dx अब हमने ये मुकम्मल तौर पर डिफरेंशिएट कर लिया है लेकिन अगर हम dy/dx निकालना चाहते हैं तो फिर जो है वो हमें dy/dx के दोनों टर्म्स को एक तरफ लाना पड़ेगा यानी कि dy/dx को हमें सब्जेक्ट बनाना है तो dy/dx को सब्जेक्ट बनाने के लिए दोनों dy/dx के टर्म्स को एक तरफ ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 6y² dy/dx 3x इन टू डी वाई बाई डी एक्सलस थ्री यहाँ से हम जो है डी कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा, अब जब हम डिवाइड करेंगे डीवाई बाई डी एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये ऊपर थ्री कॉमन निकल जाएगा तो ये हो जाएगा वाई माइनस एक्स स्क्तर सिमिलरली ये डिवाइड भी होगा यहाँ से थ्री कॉमन भी निकलेगा तो ये हो जाएगा टू वाई स्क्स थ्री और थ्री जो है वो कैंसल आउट हो जाएंगे लिहाजा आपका आंसर आ जाएगा वाई माइनस एक्स स्क् टू वाई स्क्वेर माइनस एक्स जो शो करना था वो हमने सक्सेसफुली शो कर दिया वाई माइनस एक्स स्क् अपॉन टू वाई स्क्वाइनस एक्स तो हम लिख देंगे Hence shown. Hence we have shown. ये हो गया पार्ट नंबर भी देखा था वो रैंडम एग्जाम्पल था ये पास्ट का सवाल था जिसमें हमें डी हासिल करना था और शो करना था ऑप्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर डी वाई बाई डी एक्स भी कह सकता था लेकिन यहां शो करना था शो करना होता है तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हम पे और हम एक एक स्टेप वाजे तौर पे

तो हमें एक्स की वैल्यू हासिल हो जाती थी लेकिन अब जब हम को हमें एक होगा इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेनेशन का पार्ट बनाया ताकि आपको ये बात समझ आ जाए कि यूजली डीवाई बाई डी एक्स जीरो करके तो डायरेक्ट आपको एक्स हासिल हो जाता था अब डीवाई बाईक् एक्स हासिल नहीं होगा तो आप यहाँ डीवास इकोसू जीरो तो y, x y x और अल्टीमेटली जब आप इसको जीरो किया तो आपके पास वाईस टू एक्स हासिल हो जाएगा क्योंकि जब ये ये डिनोमिनेटर जीरो से मल्टीप्लाई होकर पूरा खत्म हो जाएगा वाई माइनस एक्स तो आप देख सकते हैं यूजुअली

साइमल्टएनीस सॉल्व करते हैं मतलब इस वाले इक्वेशन को ओरिजिनल इक्वेशन में क्या करते हैं सब्स्टिट्यूट करते हैं ओरिजिनल इक्वेशन कौन सा वाला है भाई जो इक्वेशन ऑफ द कर्व है ये जो dy/dx को जीरो करके हमारे पास इक्वेशन आता है इसे इक्वेशन ऑफ द कर्व में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y x2 तो को जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो सब्स्टिट्यूट y x2 इन इक्वेशन ऑफ तो आइए सब्सिट्यूट करते हैं जब सब्सिट्यूट किया दस एक्स क्यूब प्लस टू वाई क्यूब एक्स क्यूब प्लस टू वाई क्यूब वाई की जगह एक्स स्क्वायर उसका होल क्यूब इज इक्वल्स टू थ्री एक्स वाई थ्री एक्स एंड वाई और वाई क्या है भाई वाई जो है वो एक्स स्क्वायर है अब जरा इसको आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस टू एक्स पावर सिक्स इज एक तरफ ले जाएं तो एक्स थ्री एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा टू एक्स क्यूब तो इसको इस तरह करते हैं टू एक्स पावर सिक्स माइनस टू एक्स क्यूब इक्वल टू जीरो सही है एक तरफ लिया है तो टू एक्स पावर सिक्स सही है यहां से अगर हम टू को कॉमन टू एक्स क्यूब को कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो किसी भी पॉइंट पे वेरिएबल को कैंसिल नहीं करेंगे अगर कोई टू एक्स क्यूब इक्वल टू टू एक्स सिक्स करके एक्स क्यूब एक्स सिक्स को काट के एक्स क्यूब बचा लेता है तो वो गलत कर रहा है वो एक स्टेशनरी पॉइंट को जाया कर रहा है तो वेरिएबल कभी न्यूमरेटर में जब होते हैं कैंसिल नहीं होते आपने क्या किया आपने कॉमन लिया। अब दो पॉसिबिलिटीज आएंगी ये हो गया टू एक्स टू जीरो और एक्स क्यूब माइनस वन इक्वल टू जीरो से आपका एक्स ही आएगा यहां से आपका एक्स इक्व टू वन हासिल हो जाएगा एक्स क्यूब टू वन क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स लेंगे तो भी वन ही हासिल होगा एक्स जीरो पे वाई निकाल लें तो वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर था एक्स जीरो पे वाई जो है आपका जीरो आ गया और एक्स इक्वल्स टू वन पे आपका जो वाई आ गया दैट इज वन तो एक पॉइंट आपका हो गया जीरो कॉमा जीरो एंड दूसरा पॉइंट हो गया वन कॉमा द कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स आर जीरो कॉमा एंड वन कॉमा ये दो स्टेशनरी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपके सामने आ गए तो ये एक पास का एग्जांपल था जो आपको मैंने आपके सामने पेश किया और इसमें आपके सामने मैंने टर्निंग पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकाल के बताए जिसमें हमने ये सीखा कि डायरेक्ट एक्स या वाई हासिल नहीं होता बल्कि एक इक्वेजन हासिल होता है जिसे ऑफ कर्व में डालकर फिर हमारे पास एक्स या वाई हमें हासिल होता है और फिर अल्टीमेटली हम किसी भी एक इक्वेजन में डाल के दूसरा कोऑर्डिनेट कंप्लीट कर लेते हैं और हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं ये हो गया आपका आंसर सही है भाई इसको कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद डन एंड क्लियर की एक्नोलिजमेंट दे दें बल्कि अभी टाइम हो गया क्लास का आप इसका स्क्रीन शॉट दे दें इतमान से इसको कॉपी कर लीजिएगा सिर्फ इतनी एक्नॉलेजमेंट दे, दे दें कि क्या यहाँ तक क्लियर है हर चीज़ क्लियर है अब आप इम्पलसिट इक्विजन के सवाल करने के काबिल हो गए हैं इन इसके बाद आप इम्पलसिट के सवाल करें भरपूर अंदाज में सवाल करें और किसी भी सवाल में कोई डाउट आता है कोई मसले मसाइल आते हैं तो मुझसे डिस्कस करें इनशाला नेक्स्ट क्लास में इसके सवाल भी हम टैकल कर लेंगे यहां तक एक्नोलॉजमेंट दें इज इट ऑल क्लियर टू एवरी वन चलिए अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू फॉर द एक्नोलॉलमेंट इट्स क्लियर टू एवरी वन इसी नोट पर कि आप जो है अपने काम को मुकम्मल करके नेक्स्ट क्लास में पेश होंगे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं अल्लाह हाफ़िज